फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी अर्थशास्त्र की बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। सच बताऊं तो इस वीडियो में हम, इस लेसन में हम एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो आज तक हमें नुकसानदायक लगता था, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको वही चीज़ जो पहले नुकसानदायक लगती थी, जिसकी आप नकारात्मक चीज़ों को पहले देखा करते थे, उसी चीज़ को आप सकारात्मक तरीके से देखेंगे और वही चीज़ आज आपको फायदेमंद लगने लगेगी। जी हाँ, और ऐसी ही एक चीज़ है, कौन सी? वो है हमारी जनसंख्या। अब हम बचपन से बढ़ती हुई जनसंख्या पर निबंध लिखते हुए आए हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें नुकसान है। जनसंख्या बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, लोग ज़्यादा होंगे तो मारामारी होगी किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की मांग ज़्यादा होगी, और जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होती है वो वस्तु उतनी ही ज़्यादा महंगी हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो हमारी आय बढ़े ना बढ़े, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने की वजह से महंगाई तो ज़रूर बढ़ेगी। ठीक है, कोई ऐसा भी ज़माना हुआ करता था जिसमें किसी एक नौकरी को पाने के लिए, देखिए किसी एक नौकरी को मान लीजिए कि नौकरी में मान लीजिए 50 पद आते थे, और लगने वाले यानी कि जो उसके अंदर पेपर देने बैठते थे लोग, वो कितने बैठते थे? 500। तो एक बंदे ने अगर 10 लोगों को फाइट कर दिया तो वो नौकरी के लायक हो जाता था। ठीक है, कि सिंपल सी बात है कि 500 लोग बैठेंगे 50 पदों के लिए, तो सिंपल सी बात है कि कम लोग होंगे तो कंपटीशन थोड़ा होगा। ठीक है, और आसानी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आज क्या कंडीशन आ रही है कि नौकरी तो उतनी ही है, पद तो उतने ही हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब इन यानी कि जो 50 पद हैं उनके लिए उम्मीदवार कितने हो गए? 50,000। यानी कि पहले सिंपल सी बात है कि 10 लोगों में से एक आदमी नौकरी पा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, 0 से 0 काट दें, 5 से 5 काट दें, तो 1,000 लोगों में से एक व्यक्ति नौकरी पाएगा। इसका मतलब क्या चीज़ हो गई कि नौकरी के लिए मारामारी हो रही है अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो। ठीक है, इसी तरह से एसी खरीदना है, कूलर खरीदना है, टीवी खरीदना है, जो भी चीज़ें खरीदनी है उसके लिए वही लोग खरीद पाएंगे जिनकी आय ज़्यादा होगी, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें महंगी होती जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ जनसंख्या का नकारात्मक पहलू, ये तो हुआ जनसंख्या का नकारात्मक पहलू कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी जो सरकारी सेवाएँ हैं, जो हमारी सरकारी सेवाएं हैं उन पर दायित्व बढ़ेगा ना। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आज से 50 साल पहले किसी गांव के अंदर 500 लोग रहते थे, ठीक है, और 500 लोग रहते थे और एक हॉस्पिटल हुआ करता था, तो इसके अंदर इस हॉस्पिटल को, गांव के 500 लोगों को स्वस्थ रखना है, इनका दायित्व यही है। लेकिन आज उस गाँव में हॉस्पिटल तो वही है, लेकिन आज उस गाँव की जनसंख्या हो गई मान लीजिए 5,000, तो अब इसके ऊपर भार बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जनसंख्या ज्यादा हो गई, ज्यादा मरीज हो गए, तो सिंपल सी बात है इस हॉस्पिटल पर भार बढ़ेगा ना। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ो, कुछ मत लो, हम एक परिवार की जानकारी लेते हैं, एक परिवार लेकर के चलते हैं। सिंपल सी बात है कि एक परिवार लेते हैं हम, मान लीजिए कि ये कोई जो है किसान है या फिर कोई भी है, ठीक है, और ये है इसकी पत्नी। अब ये जो दोनों पति पत्नी हैं, इनके जो है मान लीजिए कि 11 बच्चे हो जाते हैं, 11 तो ज़्यादा हो गए, मान लीजिए 5 बच्चे हैं, इनके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो सिंपल सी बात है कि 5 बच्चों का पालन पोषण आप बताइए आसान होता है या हार्ड होता है? तो बिल्कुल बहुत ही हार्ड होता है। 5 बच्चों को खाना देना, 5 बच्चों का पालन पोषण करना, 5 बच्चों को कपड़े देना, 5 बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना, अगर वो बीमार हो जाए तो उसका भी खर्चा एक्स्ट्रा, यानी कि 5 बच्चों का पालन पोषण बहुत हार्ड हो जाता है कि नहीं होता? इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा इन पर दायित्व का भार बढ़ेगा ना, इनकी ड्यूटीज उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ना। इसका मतलब ये तो हो गया इसका नकारात्मक पहलू कि जब हम जनसंख्या की, हमारे द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो शिक्षा की सुविधा हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, उन पर पहुंच की बात करें तो जनसंख्या बढ़ेगी तो दायित्व अर्थव्यवस्था पर बढ़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है, यानी कि अब तक तो हम कह रहे थे कि जनसंख्या हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है।
अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें फ़ायदा होगा। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ हो गई, हमें फ़ायदा किस तरह से होने लगा। तो आप इसी परिवार को उठा लीजिए, मान लीजिए कि ये किसान था, ये किसान था और मान लीजिए कि इसकी तनख्वाह मान लेते हैं 5,000 रुपये महीना। लगभग किसान की इतनी ही तो होती है ना, किसान की इतनी होती है, ठीक है। मान लीजिए छोटा किसान है, ज़्यादा बड़ा किसान नहीं है, तो इसका मतलब इसका तो है 5,000 रुपये महीना का यह कमा पाता था। इसने क्या किया, अपने बच्चों को किसी भी तरीके से अच्छी तरह से पढ़ा लिखा दिया और इसके पाँचों के पाँचों बच्चे जो थे पढ़ लिख करके अच्छी अच्छी जॉब्स करने लग गए। 5 बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा कि 5 बच्चे, मान लीजिए हाँ ठीक है इनका पालन पोषण बहुत जो है कठिनाई आई होगी, इनको पढ़ाने में दिक्कत आई होगी, इनको आगे बढ़ाने में दिक्कत आई होगी, लेकिन जब ये हमने इनको शिक्षा दे दी, हमने इनको अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, तो ये लोग प्रोडक्टिविटी भी तो लेकर के आ रहे हैं। मान लीजिए कि इसका एक बेटा तो क्या बन गया, इंजीनियर बन गया, एक मान लीजिए कि डॉक्टर बन गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मान लीजिए कि एक जो बच्चा है वो IAS ऑफिसर बन गया। मान लीजिए कि इनके जो एक बेटा है वो मान लीजिए कि कुछ नहीं भी लगा, वो जो है शॉपकीपर बन गया। मान लीजिए कि अच्छा इसको पढ़ाया लिखाया, शॉपकीपर बन गया। मान लीजिए कि ये जो है किसी गवर्नमेंट टीचर यानी कि टीचिंग जॉब में चला गया या गवर्नमेंट जॉब में चला गया, तो अब आप बताइए क्या परिवार की शक्ल चेंज नहीं होगी, क्या परिवार के वारे न्यारे नहीं हो गए क्या। इसी की जगह पर अगर इनको एक ही बच्चा होता, एक बच्चा होता, तो यहाँ पर केवल या तो वो इंजीनियर बनता या डॉक्टर बनता या IAS बनता या शॉपकीपर बनता या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में जाता, तो वो ज़्यादा अच्छा होता या ये ज़्यादा अच्छे। तो आप कहेंगे ये ज़्यादा अच्छे, कहाँ पर तो एक ही कमाने वाला, कहाँ पर 5-5 कमाने वाले। ये चीज़ आपको समझ में आ गई और यही हमें बताना चाह रही है ये चैप्टर कि ये जो जनसंख्या है, ये जो लोग है ना, इनको केवल बढ़ते हुए दायित्व के रूप में आप मत देखो। अगर आप इनको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे देते हो ना, तो वो आगे चल करके हमारे लिए क्या बन जाता है, एक संसाधन बन जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हाँ, मान लिया हमने, मान लिया कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हम दे रहे हैं, जो शिक्षा हम दे रहे हैं, उस पर बोझ तो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, बोझ तो बढ़ेगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन पर शिक्षा का खर्च होता है ना, उनके स्वास्थ्य पर खर्च होता है, लेकिन उसको आप एक निवेश मान करके चलो, एक इन्वेस्टमेंट मान करके चलो। जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसको शुरू करने के लिए आपको 50,000-60,000 रुपये उसमें लगाने पड़ते हैं ना, और वो आप बाद में आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं ना। तो वैसे ही आपको शिक्षा और स्वास्थ्य का अगर आप इन्वेस्टमेंट इस जनसंख्या के ऊपर कर देते हो, मान लीजिए कि कोई ज़मीन है खाली पड़ी थी, ठीक है, वो क्या था, संसाधन है ना, उस संसाधन पर किसान ने इन्वेस्टमेंट कर दी, बीज लगा दिए, पानी लगा दिया, हल वगैरह खरीद करके उसमें श्रम लगा दिया, तो इसका मतलब वो उसको प्रॉफिट दे रहे हैं ना। तो वही चीज़, वही इन्वेस्टमेंट अगर आप जनसंख्या पर दे देते हो तो वो आपको फ़ायदा दे रही है ना, वो आपको फ़ायदा दे रही है। इसका मतलब जनसंख्या भी क्या है, एक संसाधन है, यानी कि आपको लोगों को संसाधन के रूप में लेना है। हाँ, एक बार हमें निवेश करना पड़ेगा लेकिन इसका प्रॉफिट हमें ज़रूर मिलेगा। तो अब देखिए, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा कमाने वाले भी तो होंगे ना, शर्त सिर्फ एक है कि उनको शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा देना है। ऐसे नहीं है कि 5 लोग कर दिए, किसान भी खेत में जो है काम कर रहा था, ये 5 भी खेत में काम कर रहे हैं, वैसे ही काम चला जा रहा है, ठीक है, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तब तो बिल्कुल जनसंख्या हमारे लिए नुकसानदायक ही होगी। लेकिन अगर हमने उसको अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, तो इसका मतलब वो हमारे लिए लाभदायक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अब कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ये जो है हमने पढ़ा नहीं है, ना ही हमने लिखना है, ये सिर्फ हमने कंसेप्ट क्लियर किया कि वो हमें कहना क्या चाहता है, संसाधन के रूप में लोग यानी लोगों को आपको संसाधन के रूप में लेना है। अब चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको आंसर किस टाइप से लिखना है। तो चलिए फिर यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है, आपको पूरा इंटरेस्ट लेकर के इसको मज़े से पढ़ना है, हमें यहाँ पर केवल समझना है, PDF तो हमें मिलने ही वाली है, ठीक है।
तो पहला क्वेश्चन ये है कि संसाधन के रूप में लोग या फिर मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं, कि लोगों को संसाधन कैसे मानना है, लोग किस प्रकार से संसाधन है, इसका मतलब समझा दीजिए। ठीक है, तो आप सिंपल से एक बात कहेंगे कि संसाधन के रूप में लोगों से अभिप्राय है कि जो जनसंख्या है ना, जो जनसंख्या है वो अर्थव्यवस्था का एक दायित्व ही नहीं है। हाँ, दायित्व है, हम मानते हैं, लेकिन केवल दायित्व नहीं है, दायित्व के साथ साथ वो जो है हमारी अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति भी तो है। जैसे सिंपल सी बात है कि किसान के 5 बेटे थे, पहले तो वो उसके दायित्व थे लेकिन बाद में उसकी संपत्ति भी तो बन गए। ठीक है, इसकी बजाय अगर वो उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च नहीं करता, मान लीजिए कि और ज़मीन ले लेता और वो सोचता कि मैं अपने बेटों को यहाँ पर किसान बनाऊँगा, ठीक है, तो वहाँ पर शायद उतना उसका जो है विकास नहीं हो पाता जितना अब हुआ है। इसका मतलब जो संसाधन के रूप में लोग हैं वो भी क्या है, एक दायित्व नहीं है, यानी कि दायित्व तो है लेकिन केवल दायित्व नहीं है, दायित्व के साथ साथ वो परिसंपत्ति भी है। लेकिन परिसंपत्ति हम सभी लोगों को नहीं लेंगे, यानी कि संसाधन के रूप में लोग का मतलब ये नहीं है कि हम सारी की सारी जनसंख्या को उठाएं और कह दें कि ये तो जी हमारी परिसंपत्ति हो गई। तो सारी की सारी जनसंख्या परिसंपत्ति नहीं होगी, मानव पूंजी या परिसंपत्ति में केवल उन्हीं कार्यशील लोगों को रखा जाएगा, सारे के सारे नहीं होंगे मानव पूंजी, उन्हीं कार्यशील लोगों को मानव पूंजी कहेंगे, मानव पूंजी कहेंगे जिनमें सिंपल सी बात है कि किसी काम को करने की योग्यता होगी या फिर उनमें क्या होगी, किसी चीज़ के लिए निपुणता हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि केवल उन्हीं लोगों को हम परिसंपत्ति के रूप में या मानव पूंजी के रूप में मानेंगे या संसाधन के रूप में लोगों को मानेंगे जिनमें योग्यता होगी और निपुणता होगी, सारी की सारी जनसंख्या हमारी परिसंपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ हमें पता चल रही है, एक ही चीज़ पर हमारा फोकस जा रहा है कि हमें अगर उसी जनसंख्या को परिसंपत्ति बनाना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको स्वास्थ्य देना पड़ेगा, तभी तो वो उनमें योग्यता और निपुणता आएगी। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि एक किसान है, ठीक है, उसके एक बेटा होता है, ठीक है, और इसी का भाई है दूसरा किसान, उसके भी एक बेटा होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये किसान मान लीजिए कि इस किसान के पास मान लीजिए कि 1,00,000 रुपए है और इस किसान के पास भी 1,00,000 रुपए है, इनको खर्च करना है 1,00,000 रुपया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये तो किसान क्या करता है कि अपने बेटे को जमीन खरीद करके देता है, वो कहता है जी बेटा ज़्यादा अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने को तो खेती करनी है, चीज़ समझ में आ गई। वो खेत खरीद के देगा और उस जो है व्यक्ति को कहेगा कि आपको तो बेटा यहाँ पर जा करके काम करना है। लेकिन ये जो बच्चा है ये पढ़ा लिखा नहीं, बुरी संगत में पड़ गया, उसने शराब वगैरह पीना शुरू कर दिया और ये सारी की सारी जमीन जो है वो बेच डाली, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और दूसरा जो किसान है उसने कहा कि बेटा जमीन को छोड़ो, सारे दिन मिट्टी में मिट्टी होता रहता हूँ मैं, देखिए, ठीक है, तो आप क्या करो कि आप तो बेटा अच्छे से पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, आपको मेरे खेत से कोई लेना देना नहीं है, आपको किसान नहीं बनना है, आपको बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो कहता है नहीं पिताजी मैं तो किसान ही बनूंगा, क्योंकि किसान बनना कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर उसके पिताजी कहते हैं कि चलो बेटा तुझे अगर किसान ही बनना है ना तो तू पहले एग्रीकल्चर से डिग्री ले ले, उसके बाद तू बढ़िया किसान बनना। तो वही होता है, 1,00,000 रुपए वो अपनी बेटे की डिग्री पर खर्च करता है और उसको पढ़ाता है लिखाता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और उसको बढ़िया सी एग्रीकल्चरल वाली एग्रीकल्चर में उसके पास डिग्री आ जाती है। अब एग्रीकल्चर में वो रिसर्च करता है बच्चा और एक नया बीज बना देता है जिससे पैदावार जो है बहुत ही तगड़ी पैदावार होती है और पूरे देश में उस बच्चे का नाम हो जाता है और ये जो है उस बीज से और एक हल भी बनाता है ये, और उसका हल जो है वो फेमस हो जाता है, मशीन जो उसकी फेमस हो जाती है और पूरे देश में ही विदेशों में भी इसकी मशीन बिकने लग जाती है, इसकी मशीन बनाने की फैक्ट्री बन जाती है। तो अब आप मुझे बताइए कि
इसको आप परिसंपत्ति में रखेंगे या इसको इन्वेस्ट, तो यहाँ पर भी 1,00,000 रुपया हुआ, यहाँ पर भी 1,00,000 रुपया हुआ। इसने ज़मीन खरीदी लेकिन उसके बाद उसका कुछ नहीं बना, लेकिन इसने जो है शिक्षा इसको दी, शिक्षा दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, इसको कभी बीमार नहीं होने दिया, ठीक है। लेकिन ये शराब पी करके बीमार होता रहता था और लास्ट में क्या होगी, इसकी मृत्यु ही तो होगी ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और एक कहाँ इसने देश में जो है अपना नाम कमा लिया और इतना जो है हाई लेवल पर उसने कमाई की। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ऐसे लोगों को हम परिसंपत्ति के रूप में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि अगर हमें लोगों को संसाधन बनाना है, यानी कि लोगों को अगर हमें मानव पूंजी बनानी है, जनसंख्या को मानव पूंजी बनानी है, तो उसके लिए हमें उसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसको हम संसाधन के रूप में या मानव पूंजी के रूप में लेने के लिए, मानव पूंजी बनाने के लिए, उसके लिए हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो सिंपल सा है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, मानव पूंजी तो आप समझ गए, लेकिन मानव पूंजी का निर्माण कैसे किया जाए, यानी मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यही बनता है, आपको नोट नहीं करना है, केवल और केवल समझने पर ध्यान देना है कि मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास संसाधन तो ऑलरेडी उपलब्ध है ना, हमारे पास संसाधन ऑलरेडी उपलब्ध का मतलब क्या हो गया, लोग तो हमारे पास पहले से है ही ना, हमें बस क्या करना है, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य दे करके उन्हें थोड़ा सा विकसित बनाना है। यानी कि सिंपल सी बात है कि मानव तो हमारे पास है, ठीक है, उपलब्ध मानव संसाधन को अगर हम शिक्षा दे दें, शिक्षा व स्वास्थ्य से और विकसित बनाना ही तो हमारा क्या है, मानव पूंजी निर्माण है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि हमारे पास मानव तो पहले से ही है, दोनों बेटे हुए थे ना दोनों के, लेकिन हमने क्या किया कि उसको शिक्षा और स्वास्थ्य दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपल सी बात है, हमने क्या कर दिया, मानव पूंजी निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर हमारे को ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि मानव संसाधन जो है या मानव पूंजी जो है वो अन्य पूंजियों से किस प्रकार से अलग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मानव पूंजी जो है बाकी अन्य पूंजियों से अलग कैसे है, यानी कि बाकी अन्य पूंजियों से भिन्न कैसे है। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान सा है कि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से भिन्न कैसे है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है कि एक तो हमारे पास हो गई मानव पूंजी, और इसी की तरह से हमारे पास और भी तो पूंजी होती है, जैसे कि भूमि वाली पूंजी हो गई, और या फिर अनेक भौतिक पूंजियां होती है, जैसे आप मकान खड़ा कर सकते हो, आप फैक्ट्री बना सकते हो, तो ये बहुत सारी पूंजी हमारे पास होती है। तो हमें ये बताना है कि हमारी जो मानव पूंजी होती है ना, वो इस भूमि वाली पूंजी से या भौतिक पूंजी से सर्वश्रेष्ठ होती है। अब आप कहेंगे कैसे, तो वापस से आ जाइए उसी क्वेश्चन उसी एग्जांपल पर वापस आ जाइए कि मान लीजिए दो किसान हैं, दोनों के दो बेटे होते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक किसान ने तो क्या की, ज़मीन खरीद के दी, लेकिन एक किसान ने अपने बेटे पर खर्चा कर दिया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। या फिर मान लीजिए कि इस किसान ने अपने बेटे को कोई छोटी मोटी फैक्ट्री खुलवा दी, तो भी इसकी फैक्ट्री नहीं चली क्योंकि ये जो है बाद में शराब पीने लग गया, या अनपढ़ था जिसकी वजह से उसको लॉस हो गया। और सिंपल सी बात है कि अनपढ़ आदमी उतना अच्छे से बिजनेस नहीं कर सकता जितने अच्छे से पढ़ा लिखा और योग्यता और निपुण व्यक्ति कर सकता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है कि मानव पूंजी जो है वो भूमि और भौतिक पूंजी से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो संसाधन है ना, ये इन संसाधनों को और ज्यादा उपयोगी बना सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भूमि थी, किसान के पास मान लीजिए भूमि पड़ी थी, तो भूमि क्या है, एक संसाधन है जिस पर क्या किया जा सकता है, खेती की जा सकती है। लेकिन अगर वो इंसान पढ़ा लिखा है तो वो यहाँ पर कोई बढ़िया सी फैक्ट्री खड़ी कर दे, तो इसका मतलब उसने इस भूमि को, इस संसाधन को और ज़्यादा उपयोगी बनाया कि नहीं बनाया, तो बना दिया, सिंपल सी चीज़ है। इसी तरीके से मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री थी, वो आराम से चल रही थी, किसान का बेटा जो उसमें जॉब लग गया, ठीक है, जॉब लग गया, तो उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया जिससे उस कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मानव पूंजी है उसने उस भौतिक पूंजी को और ज़्यादा उपयोगी बना दिया ना।
ठीक है। लेकिन क्या भूमि या भौतिक पूंजी मानव पूंजी को और ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, वो इसका प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन मानव पूंजी इनका प्रयोग करके और ज्यादा विकास अपने देश का कर सकता है और ज्यादा विकास अपनी अर्थव्यवस्था का कर सकता है। तो सिंपल सी चीज हमें पता चलती है कि मानव पूंजी जो है वो भूमि और भौतिक पूंजी से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक ही चीज बार बार आ रही थी, यहाँ पर एक ही चीज बार बार आ रही है कि अगर हमें हमारी जनसंख्या से और ज्यादा लाभ लेना है तो हमारी जनसंख्या को हमें दो ही चीज देनी है, केवल मात्र दो चीज दे दी तो बस हमारा जो है वारे न्यारे हो जाएंगे। पहली चीज तो है शिक्षा और दूसरी चीज है स्वास्थ्य। इस चीजों को, इन दोनों चीजों को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि अगर दो चीजें हमने हमारी जनसंख्या को दे दी तो इसका मतलब हमारी जो मानव जो जनसंख्या हुआ करती थी पहले वो क्या बन जाएगी, अब एक पूंजी बन जाएगी, ठीक है, जो केवल और केवल हमारे जो राष्ट्र में जितने भी सुविधाएं हैं उनका उपभोग नहीं करेगी बल्कि उनको उत्पादित भी करेगी। जैसे कि कोई बीमार हो रहा है, मान लीजिए कि कोई बीमार हो रहा है तो हमें क्या देनी पड़ रही है, उसको सेवा देनी पड़ रही है। ये चीज़ समझ में आ गई। हमारे देश के डॉक्टर जो है उनकी सेवा कर रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स मान लीजिए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से अगर कोई कल को पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया तो उसका मतलब वो भी तो हमें सेवा देगा। इसका मतलब वो केवल और केवल उपभोग करने वाले नहीं है, लेने वाले नहीं, कभी ना कभी वो उत्पादक भी बनेंगे, यानी देने वाले भी बनेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन बनता है कि मानव पूंजी निर्माण में, कि मानव पूंजी का निर्माण हमें करना है, मानव पूंजी के निर्माण में पहला क्वेश्चन तो बनता है शिक्षा का योगदान बताइए और दूसरा क्वेश्चन बनता है स्वास्थ्य का योगदान बताइए। तो सिंपल सी बात है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसका उत्तर क्या लिखेंगे। समझ लीजिए, आप मान लीजिए कि किसी कंपनी के मैनेजर हैं, किसी कंपनी के आप मान लीजिए कि मैनेजर हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, और आपकी कंपनी में एक पद खाली है जिसमें मशीनों को ठीक करना है। क्या करना है? मशीनों को ठीक करना है, यानी सिंपल सी बात है कि मशीनों की रिपेयरिंग वगैरह करनी है, और उसके लिए आपके यहाँ पर जो है दो बंदे अप्लाई करते हैं। एक तो है सिंपल सा मिस्त्री, उसके पास कोई टेक्निक जो है टेक्निकल डिग्री नहीं है, मिस्त्री है, सिंपल सी बात है, शॉप पर काम करने वाला है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और दूसरा है एक इंजीनियर, इंजीनियर जिसके पास इस मशीन को ठीक करने यानी मशीन लर्निंग की काफ़ी सारी डिग्रीज हैं। तो आप बताइए कि आप इस इंजीनियर को जॉब देंगे या इस मिस्त्री को जॉब देंगे? तो आप कहेंगे हम तो इस मैकेनिक को जॉब कौन देगा, इंजीनियर को जॉब देंगे ना, क्योंकि सिंपल सी बात है इंजीनियर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कल को अगर इसे हम कहें कि कंपनी में आकर के इंग्लिश में बात करनी है तो ये कम से कम इंग्लिश में बात तो कर पाएगा, ये कर पाएगा क्या? ठीक है, मान लीजिए कि हमने इसको काम पर रख भी लिया तो भी हमारी कंपनी की वो रेपो रहेगी क्या? और रेपो सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि कंपनी की महत्वता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंजीनियर को जॉब देनी पड़ेगी। तो अब बताइए शिक्षा का योगदान हुआ कि नहीं? मशीन तो ये भी ठीक कर सकता है ना, मशीन तो ये भी ठीक कर सकता है, बल्कि प्रैक्टिकली तो ये ज़्यादा अच्छा योगदान दे सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से इसको जॉब पर रखा जाएगा। और अगर दोनों को जॉब पर रख लिया, अगर दोनों को जॉब पर रख लिया तो भी इन दोनों में भेदभाव क्या रखा जाएगा, इसको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी और इसको कम सैलरी दी जाएगी। इस तरह का फ़र्क आपको हर जगह पर देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सिंपल सी बात है कि एक ही कंपनी में एक सफाई कर्मचारी भी होता है और एक बॉस भी होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का फ़र्क होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई, ये हर जगह फ़र्क होता है ऐसा, ठीक है। तो शिक्षा का योगदान हमें समझ में तो आ गया, लेकिन एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं स्वास्थ्य का क्या योगदान होता है, चलिए इसका भी एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप मान लीजिए कि सिंपल सी बात है कि आप अपना घर बना रहे हैं, आप अपना घर बनवा रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि कुछ श्रमिकों को हायर करना है, ठीक है। मान लीजिए, चलो इसको भी छोड़िए, मान लीजिए कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको कुछ मजदूरों को काम पर लगाना है, ठीक है। तो आपके पास बाकी तो मजदूर आ गए, ठीक है, अच्छे खासे, आपके पास जो है दो मजदूर आए हैं जिनमें से आपको केवल एक मजदूर को चुनना है, ठीक है। दो मजदूर आपके पास आए हैं,
ठीक है, जिनमें से एक मजदूर को आपको चुनना है। ये जो मजदूर है ये काफी जो है तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त है यानी कि स्वास्थ्य इसका अच्छा है। ये जो है जितने घंटे आप काम करोगे उतने घंटे काम करेगा। मान लीजिए कि आप 8 घंटे काम करवाना चाहते हैं, ये 8 घंटे में बहुत बढ़िया काम करेगा, उत्तम कोटि का काम करेगा, ठीक है। और ये जो है सिंपल सी बात है कि जवान है, ठीक है, जवान है यानी कि स्वस्थ है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और साथ में क्या है कि ये कोई नशा वगैरह नहीं करता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और यहाँ पर ये जो दूसरा व्यक्ति है ये एक तो चीज़ जी नशा करता है, और दूसरी चीज़ है कि ये आज जो है ना ये आज बीमार है, ये आज बीमार है और नहीं पता कितने दिनों तक बीमार रहेगा। और सिंपल सी बात है कि अगर बीमार रहेगा तो उतना काम नहीं कर पाएगा जितना ये कर सकेगा। तो अब आप बताइए कि आप इस बीमार आदमी को काम पर रखना पसंद करेंगे या इस स्वस्थ व्यक्ति को जो कि ना तो नशा करता है और 8 घंटे काम करेगा, तंदुरुस्त भी है और बढ़िया तरीके से आपको जो है सर्विस देगा, तो आप इसको रखना चाहेंगे कि इसको? सिंपल सी बात है, बीमार व्यक्ति उतना काम नहीं कर पाएगा, कभी तो वो कहेगा मुझे बुखार है, कभी कहेगा चक्कर आ रहे हैं, कभी कहेगा सर दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे ना। इसका मतलब जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा उसी को जॉब मिलेगी, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो कई जगह पर ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखती हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति है और वो इंटरव्यू वगैरह देने जाता है, तो वहां पर उसकी लिखी जाएगी क्या कोई वो सीरियस बीमारी वगैरह तो नहीं है क्या उसे। अगर उसे सीरियस बीमारी है, जैसे मान लीजिए कि वो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति अगर जॉब लेने चला जाए तो उसको जॉब देगा क्या कोई? कोई उसको जॉब नहीं देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि उसका क्या पता वो अच्छे से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या पता वो उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या पता उससे पहले ही वो मर जाए। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो ही जॉब मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन कैसे आएगा और हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो समझते हैं, और उसके बाद इन दोनों टॉपिक से एक और भी क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, तो आप एक ही चीज़ यहीं से शुरू करोगे कि जो हमारी शिक्षा है ना, ये हमारा जो हम श्रम करते हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है, श्रम की गुणवत्ता को बढ़ा देती है हमारी शिक्षा, ठीक है, कि क्वालिटी को बढ़ा देती है हमारे काम करने के, ठीक है। जैसे इंजीनियर है और टेक्निकल बंदा है तो वो काम तो सेम ही करेंगे, लेकिन इंजीनियर है तो उसकी जो श्रम की गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, वो काम फास्ट कर पाएगा और बहुत ही अच्छे से कर पाएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, छोटी छोटी कमियों को भी नोट कर लेगा। उसके बाद ये हुआ कि श्रम का तो हमें पता चल गया कि जैसे जैसे श्रम की गुणवत्ता बढ़ेगी वैसे वैसे हमें पता है कि कुल उत्पादकता भी तो बढ़ेगी, उत्पादकता भी तो बढ़ेगी, जैसे जैसे गुणवत्ता बढ़ेगी। जैसे कि हमने पहले एक एग्जांपल लिया था कि एक किसान का जो है बेटा था, तो उसने एग्रीकल्चर के में जो है डिग्री प्राप्त कर ली, और डिग्री प्राप्त करके उसने जो है नई किस्म के बीज को खोजा, नई किस्म के बीज जब उसने खोज डाले तो अब क्या करने थे कि उस बीजों से जो पहले फसल हो रही थी उसे डबल पैदावार हो रही थी, ठीक है। पहले अगर 1 लाख की फसल हो रही थी तो इस साल 2 लाख की फसल हो रही थी। इसका मतलब जैसे ही उसने अपना काम करने में गुणवत्ता को वैसे के वैसे उत्पादकता भी तो बढ़ेगी, और उत्पादकता बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो देश का क्या होगा, देश का विकास होगा, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। तो आपने एक चीज तो सुनी ही होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, यानी कि सिंपल सी बात होगी कि जब हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी तो कोई व्यक्ति अच्छे से काम कर पाएगा, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इसमें आप यही लिखेंगे कि स्वास्थ्य, सिंपल सी बात है कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में एक अस्वस्थ मजदूर अपनी उत्पादकता में वो अपने देश की उत्पादकता को कम कर देगा, अपनी उत्पादकता को कम कर देगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कोई अगर मजदूर अस्वस्थ है तो उसकी उत्पादकता भी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। अगर उसकी उत्पादकता कम हो गई तो देश का विकास भी तो कम होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे मैं बता दूं कि स्वास्थ्य का मतलब केवल जीवित रहना नहीं होता है,
स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवित रह रहा है, स्वास्थ्य का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ है या नहीं, उसको कोई बीमारी ने तो घेर नहीं रखा है। यानी कि सिंपल सी बात है कि रोगों से वो लड़ रहा है तो वो स्वस्थ नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसमें क्या होनी चाहिए, उसका शारीरिक और मानसिक रूप से अगर वो स्वस्थ है तभी जो है वो अपनी उत्पादकता दे पाएगा, तभी देश का विकास हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ ली, ये ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ तो है नहीं, ठीक है, हमें समझ में आ गई ये चीज़। तो चलिए फिर उसके PDF में जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तो उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो वही क्वेश्चन के आंसर जो आपको याद करने हैं। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारी आती है, वहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये तो चीज़ पता चल गई कि स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होता है, यानी कि देश का विकास करता है, कि अगर स्वस्थ हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति होगा वो उत्पादकता ज़्यादा करेगा, वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा उसकी आय होगी, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। लेकिन उसके स्वास्थ्य को कैसे मापा जाए, कि मान लीजिए कि जो दो मान लीजिए कि देश हैं, दो देश हैं, तो इन दोनों देशों में कैसे पता लगाया जाए कि स्वास्थ्य का स्तर इस देश में ज़्यादा है या इस देश में ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य का स्तर है वो दो चीज़ों से माना जाता है, एक तो है जीवन प्रत्याशा। अब आप कहेंगे ये जीवन प्रत्याशा क्या है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, पढ़ेंगे हम। एक तो है जीवन प्रत्याशा और दूसरी है हमारी शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। अब ये क्या चीज़ें हैं, पहले इनको समझ लेते हैं और फिर समझेंगे कि इनके अकॉर्डिंग जो है हम कैसे निर्णय लेंगे, कैसे हम उनका जो है आंकलन करेंगे कि किस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि यहाँ पर जो आम आदमी है उसकी एवरेज जो ज़िंदगी होती है वो कितने सालों की होती है। यानी कि मान लो कि इस देश के जो आदमी हैं, इस देश के जो भी जनसंख्या है, वो मान लीजिए कि इस लगभग जो है 56 साल के होने के बाद जो है वो मर जाते हैं। सारे 56 साल के होने पर नहीं मरते, कुछ कम पे भी मर जाएंगे, कुछ ज़्यादा पे भी मर जाएंगे, लेकिन अगर एवरेज निकाल लिया जाए, औसत निकाल लिया जाए, तो औसत लगभग लोग 56 साल की ज़िंदगी यहाँ पर जीते हैं। और अगर इस देश की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो जीवन प्रत्याशा है वो है 65 वर्ष, यानी कि इस देश के जो लोग हैं लगभग 65 वर्ष की आयु के होते हैं और फिर उनकी मृत्यु होती है। हाँ, कुछ इससे कम उम्र में भी मर जाएंगे, कुछ इससे ज़्यादा उम्र में भी मर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा लोग जो हैं इसको पार कर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जीवन प्रत्याशा ज़्यादा हो गई, ठीक है। अगर लोगों की जीवन प्रत्याशा कम है, इसका मतलब वहाँ पर बीमारी है, बीमारी से लोग ज़्यादा मर रहे हैं, या किसी भी कारण से अगर वो ज़्यादा मर रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा है कि वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, चिकित्सक जो है वहाँ पर अच्छे नहीं है, वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो एक तो आंकलन हो गया जीवन प्रत्याशा वाला, यानी कि जो लोग जन्म गए कम से कम, जो लोग धरती पर आ गए वो कितने लंबे जी रहे हैं उससे पता चल जाएगा कि उस देश में कैसी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होगी तो व्यक्ति मर जाएगा जल्दी, लेकिन अगर स्वास्थ्य सुविधाएं होगी तो उसको बचा करके रखा जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ है शिशु मृत्यु दर, यानी कि जो आ गए वो कितना जिएंगे उससे तो पता चल जाएगा, लेकिन जो आते ही बेचारे मर गए उनसे भी पता चलेगा। कैसे, कि मान लीजिए शिशु मृत्यु दर होता है कि जो भी 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से मर कितने जाते हैं, वो होता है शिशु मृत्यु दर। सिंपल सी बात है कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है अगर हम उसको बचा पाए तो इसका मतलब हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छा है तो वो बच्चे को बचा लेगा, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, तो चाहे बच्चा बचना भी चाहे ना तो भी वो मर जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सिंपल सी बात है कि अगर वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं तो शिशु कम मरेंगे, यानी जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कम मरेंगे। इसका मतलब क्या है कि माता और बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, माता और बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, इसका मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर अच्छी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि शिशु मृत्यु दर अगर कम होगी तो इसका मतलब वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर शिशु मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कम है ना, तो यहाँ पर जो मृत्यु दर होगी वो क्या हो जाएगी, अधिक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि शिशु मृत्यु दर। अब देखिए, किसी देश में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, अच्छी सुविधाएं हैं, तो वो शिशु को मरने देंगे क्या, नहीं। इसका मतलब वो शिशु मृत्यु दर कम होगी, लेकिन जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होगी, यानी जिंदगी ज़्यादा लंबी होगी लोगों की जो जन्म गए कम से कम। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी स्वास्थ्य का मतलब है कि मरने ना दिया जाए और जो बच गए
उनकी लंबी जिंदगी की जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी इससे आकलन किया जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है कैसी नहीं है। अब हम देखते हैं भारत की अंदर जीवन प्रत्याशा किस प्रकार की है और शिशु मृत्यु दर जो है किस टाइप की है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बुक में आंकड़े दिए गए हैं वो दिए गए हैं, जीवन प्रत्याशा तो दी गई है 2014 के हिसाब से, और जो हमारी शिशु मृत्यु दर है वो दी गई है 2016 के हिसाब से। कि 2014 के अगर आंकड़े देखे जाएं तो 2014 से हमारे पहले हमारे भारत की जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी, लेकिन 2014 तक आते आते हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ गई, यानी कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ गई, यानी कि अब हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वो 68.3 वर्ष है, यानी कि हमारे यहाँ पर बुजुर्ग जो है कम से कम 68 साल के होकर के फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि सिंपल सी बात है, 100 साल तक तो नहीं जाते लेकिन 68 जो है कम से कम करते हैं, कुछ इससे पहले भी मर जाते हैं, कुछ उससे बाद में मरते हैं, तो औसत लिए हमने तो ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और 2016 के अनुसार अगर शिशु मृत्यु दर देखी जाए तो इससे पहले का अगर आंकड़ा देखें ना, 1951 में प्रत्येक 1000 बच्चे पर हमारे 147 बच्चे मर जाते थे। इसका मतलब वहाँ पर हमारी सुविधाएं अच्छी नहीं थी, लेकिन 2016 में अगर ये आंकड़ा देखें तो अब हमारा 1000 बच्चे में से केवल 34 बच्चे ही मरते हैं, यानी मरने वालों की संख्या कभी 147 हुआ करती थी, अब क्या हो गई, 34 हो गई पर 1000 के ऊपर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हमारी जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, 68.3 वर्ष हो गई, 2014 के हमारे आंकड़े हैं लेटेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है जनगणना होगी तब देखेंगे, ठीक है। और 2016 के अगर देखा जाए, 2016 में आंकलन किया गया जब शिशु मृत्यु दर का, तो हमने पाया कि शिशु मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है। तो ये तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम जो है शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या क्या योगदान रहता है ये चीज़ हम यहाँ पर अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन इसके बाद भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर आपको जनसंख्या को उत्पादकता बढ़ानी है तो आप उसको शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो। हमने शिक्षा भी दे दी, स्वास्थ्य भी दे दी। अब हमारे पास पढ़े लिखे इतने ज़्यादा हो गए कि हम उनको जॉब ही नहीं दे पा रहे। यानी कि पहले हमारे पास क्या टास्क था कि अनपढ़ लोगों को जॉब नहीं दे सकते, उनको पढ़ाओ। अब हमने जब उनको पढ़ा दिया तो पढ़े लिखों के पास भी जॉब नहीं, और जिसको क्या कहते हो आप, बेरोजगारी कहते हो। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी किस कारण से है, उसके क्या प्रकार है, क्या उसमें शिक्षा प्रणाली भी कोई रोल निभा रही है क्या, कि आजकल शिक्षा ही ऐसी दी जाती है। जैसे आपको पता है कि भारत के अंदर एग्जाम्स कैसे होते हैं, एग्जाम्स होते हैं जीके के, जनरल नॉलेज के, कि वहाँ पर ये चेक किया जाता है कि कोई रटने में कितना समर्थ है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हाँ, कुछ एग्जाम्स ऐसे भी हैं जहाँ पर ये परखा जाता है कि वो समझने में क्या कितना जो है इंटेलिजेंट है, उसको कितना चीज़ें जो है उसके दिमाग में बैठती है। कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो उसकी स्किल्स पर काम करती हैं, लेकिन आज भी कई एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों के स्किल्स पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। बच्चा चाहे गेम में कितने ही अच्छा हो, पेरेंट्स को उसके 100 में से 100 नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर अपने भारत की हम कह सकते हैं कुछ कमी कह सकते हैं, या फिर हम जो है स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में, उसके बाद ही आप कंक्लूजन निकालना, अभी मत निकालना। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका भी कंक्लूजन निकालेंगे, बेरोजगारी क्या है, कितने प्रकार है, इसको कैसे दूर किया जाएगा, सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी।